आजकल के बच्चे ना खाना खाने में बड़ा नखरा करते हैं, और स्पेशली सब्जियों को खाने में। पास्ता खाना है, फ्लेवर भी चाहिए, पर सब्जियां नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, आज की रेसिपी उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऐसे नखरे करते हैं। सो दिस इज अ इंडियन स्टाइल वाइट चीज सॉस पास्ता रेसिपी विदाउट वेजीज। तो फटाफट ये बन जाती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है प्रॉपर मिलते रहें। तो इस तरह की रेसिपी हमेशा मैं लेके आती रहती हूँ। कुछ और कंटेंट हो तो आप मुझे बताएं, मैं वो भी शेयर करूँगी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल AJ फूड सफारी। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है पास्ता को बॉईल करना। तो बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन में पानी लिया हुआ है, इसमें नमक और ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही पानी हमारा जो है ना बॉईल होने लगेगा, हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। तो मैंने पैनी पास्ता लिया हुआ है यहाँ पे, 1.5 कप पास्ता मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो पास्ता को इस तरह से चलाएँगे और इसको हम कुक करेंगे 80% तक। तो बिकॉज़ हमें ये फटाफट बनाना है, टाइम नहीं लगाना है, तो इस पास्ता को बॉईल करने के लिए हम रख देते हैं साइड में दूसरी गैस पे। और नेक्स्ट गैस पे हम चढ़ाएंगे दूसरा पैन। तो पैन आप नॉन स्टिक ही लीजिएगा। पैन में ऐड करेंगे हम बटर। तो 2 क्यूब बटर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बटर जैसे ही हमारा मेल्ट होने लगेगा, हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो 2 चम्मच हम ऐड करेंगे मैदा, और इसे हम अभी अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक भूनेंगे। तो इस समय गैस का जो फ्लेम है ना, आप बिल्कुल लो रखें। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा हमें लहसुन का फ्लेवर चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं ऐड करना। 2 लहसुन की कलियाँ काफ़ी हैं, आप छोटा छोटा चॉप करके इसमें ऐड कर दें। और इस तरीके से आप इसे चलाते हुए, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, आप इसे फ्राई करें। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। तो आप नॉर्मल मिल्क ले लें, ताज़ा मिल्क, बॉईल किया हुआ ही होना चाहिए। कच्चा दूध मत ऐड करें, वरना वो फट जाएगा। और अब इसे चलाते हुए हम कुक करेंगे। तो 1.5 ग्लास मैंने यहाँ पे जो है मिल्क ऐड किया हुआ है, और इस तरीके से हम इसे फेंटेंगे, जिससे क्या है, हमारा ये लम्प फ्री सॉस बनेगा। तो अभी आप देख सकते हो बबल्स आ रहे हैं, ये अच्छे से कुक हो रहा है, चलाते रहना है। और हाँ, साथ ही साथ आपको पास्ता को भी चलाते रहना है, वरना आप एक चीज़ बनाने के चक्कर में दूसरी चीज़ आप स्किप कर दोगे। तो इस जो सॉस है, वो सॉस को हमें थोड़ा रनी ही रखना है, इसे थिक नहीं करना है। तो चलिए पास्ता भी देख लेते हैं। पास्ता जो है हमारा कुक हो चुका है, तो ये देखिए, मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। और अब इस पास्ता को हम स्ट्रेनर की हेल्प से इसे हम छान लेंगे, और साथ ही साथ आप सॉस भी चलाते रहें। तो अभी आप देख सकते हो सॉस हमारा रेडी है, पास्ता ऑलरेडी रेडी हो चुका है, सॉस भी रेडी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। तो ग्रेट करके चीज़ हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, या आप चीज़ खाना नहीं चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पे पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे आप कद्दूकस करके ऐड करें, तो उसका फ्लेवर भी जो है वो अच्छा आएगा। देन हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, और अब हम इसको कुक करेंगे। तो इस समय गैस का फ्लेम जो वो मीडियम होना चाहिए। तो ये अभी सॉस ना मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये जो पानी मैं ऐड कर रही हूँ, जो पास्ता जिसमें हमने बॉयल किया था, तो बॉयल करने के बाद जो पानी बचा हुआ था, वही पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो आप भी जब कभी पास्ता बनाएं, कोई भी पास्ता बनाएं, तो पानी को तुरंत फेंकें नहीं, पानी को रख लें। और अगर आपको सॉस थिक चाहिए, मतलब थिक लग रही है, तो आप वहाँ पे ये पानी यूज़ कर सकते हो। तो नमक भी आप एक बार चेक कर लें, यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया हुआ है, मुझे कम लग रहा था। चीज़ में पास्ता नमक होता है, तो नमक आप चेक करके ही डालें। तो ये जो पास्ता है हमारा, ये अभी फाइनली बन के रेडी हो चुका है।
बिल्कुल प्लेन और सिंपल पास्ता रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये जो पास्ता रेसिपी है, आदि की जो फ्रेंड है उसको पसंद है, वो वेजीज नहीं खाती है, तो वो जब भी हमारे घर आती है तो मैं उसे हमेशा ये प्लेन पास्ता ही सर्व करती हूँ। और ये लिया हुआ है मैंने यहाँ पे ओरिगैनो, तो हम मोस्टली पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाते हैं या ऑर्डर करते हैं तो आता है ना, तो हम उसे फेंकते नहीं हैं, बचा के रख लेते हैं, तो इस तरीके से हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो अगर बड़ों को खाना है तो इस तरीके से वो ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, बच्चे खा रहे हैं तो आप स्किप करें। टेस्ट करके देखें भाई, बहुत यम्मी सा बना हुआ है, हमारे यहाँ पाखी को बहुत पसंद है। तो इस तरीके की पास्ता रेसिपी आप बनाएं, बच्चों के साथ शेयर करें। और रिक्वेस्ट मैं आपसे दोबारा करना चाहूँगी, अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऑलवेज मेड फ्रेश, ईट हेल्दी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग AJE फूड सफारी।